नमस्कार। हमारी आज की कहानी फिर से पंचतंत्र से है और पंचतंत्र के जिस हिस्से से आती है ये कहानी उसे पांचवा हिस्सा यानी अपरीक्षित कारणम कहा जाता है। पंचतंत्र के बारे में जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसे पांच हिस्सों में बांटा गया है, इसमें पांच विधाएं सिखाई गई है, पांच अलग अलग तंत्र हैं, इसलिए इसका नाम पंचतंत्र होता है। आज हम लोग जिस हिस्से से कहानी को देख रहे हैं वो हिस्सा है अपरीक्षित कारणम यानी पांचवा हिस्सा। पांचवें हिस्से की जो ये कहानी है, इस कहानी में एक नेवले की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण से जो कि बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं था। देव शर्मा अपनी पत्नी के साथ रहता था और उनके कोई संतान भी नहीं थी। अक्सर ये लोग भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि किसी तरह हमारी संतान हो जाए, और भिक्षाटन से देव शर्मा का जीवन यापन चलता था। परिवार जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था कि ऐसे में एक दिन पता चलता है कि देव शर्मा की पत्नी गर्भवती है और उन्हें संतान होने वाली है। जिस दिन देव शर्मा की पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है उसी दिन उनके घर में रहने वाली एक नकुली यानी नेवला नकुली एक बच्चे को जन्म देती है। और ये नेवला जो होता है वो उतना ही बड़ा था जितना बड़ा देव शर्मा का पुत्र था। तो ये दोनों बच्चे जो होते हैं, नेवले का बच्चा और मनुष्य का बच्चा, साथ साथ बड़े होने लगते हैं। नेवले के बच्चे को चूंकि देव शर्मा की पत्नी खाना पीना और भोजन इत्यादि दे रही होती थी तो नेवले का बच्चा भी वहां पे खेलता रहा। देव शर्मा की पत्नी बच्चे का बड़ा ख्याल रखती है तो उसके लिए भी बच्चा बड़ा प्रिय था। अक्सर पशु ऐसा करते हैं, आपको पता ही होगा। अब देव शर्मा की पत्नी जो थी वो सोचती थी कि ये है तो आखिर पशु ही, दिमाग तो इसके पास है नहीं, बुद्धि उतनी है नहीं जितना मनुष्यों की होती है, कहीं ये हिंसक पशु मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। देव शर्मा जो था वो सोचता था कि ठीक है पशु है मगर हमारे आश्रय में है, हमारे पास पला बढ़ा है और हमसे ही सारी चीजें सीख रहा होता है देख देख कर, इसलिए ये ऐसी कोई हिंसक हरकत नहीं करेगा। पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर थोड़ा सा विवाद रहता था, लेकिन जो भी हो बच्चा जो था वो नेवले के बच्चे के साथ ही खेलता रहता। ऐसे ही दोनों बड़े होने लगे। नेवले का बच्चा थोड़ी ज्यादा तेजी से बड़ा हो रहा था, इंसान का बच्चा अभी पालने में ही था, करीब 6 महीने का बच्चा हो चुका था कि एक दिन देव शर्मा की पत्नी जो थी वो एक वृक्ष की छाया में बच्चे को सुलाकर पानी भरने जाने लगी। पानी भरने जाते वक्त उसने अपने पति को समझाया कि देखो बच्चे को मैं सुला करके जा रही हूं और ये नेवला जो है ये भी पास ही खेल रहा है, और उन्हें शक तो हमेशा रहता था, उन्हें हमेशा शंका रहती थी कि कहीं ये बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। तो उसने कहा अपने पति से, देव शर्मा से, कि आप ध्यान रखिएगा, यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। मगर ब्राह्मण की भिक्षा का समय हो गया था, उसने सोचा बच्चे की अच्छी दोस्ती तो है ही नेवले से और नेवला हमेशा ख्याल रखता है बच्चे का, हमेशा ध्यान रखता है, तो अगर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिया जाए और मैं भिक्षा मांगने निकल पड़ूं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देव शर्मा निकल गए भिक्षा लेने और पेड़ के नीचे बच्चा जो था वो नेवले की निगरानी में सोता रहा। इतने में उसी वृक्ष के पास किसी कोटर से एक काला नाग निकल आया। सांप बच्चे की तरफ बढ़ा और नेवले ने जब ये देखा तो एक तो नेवले की ऐसे ही सांप से शत्रुता होती है और दूसरी बात कि उसे लगा कि कहीं ये मेरे मित्र को, मतलब इंसान के बच्चे को, नुकसान ना पहुंचा दे। तो मनुष्यों के बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, कोई हानि ना हो सांप की वजह से, इसलिए नेवले का बच्चा जो था वो जाकर सांप से भिड़ गया। छोटा था, उतना कुशल नहीं था शिकार में, लेकिन थोड़ी देर के लड़ाई के बाद काफी लहूलुहान होने के बावजूद नेवले ने सांप को मार गिराया और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस पूरी प्रक्रिया में वो रक्त रंजित हो गया, पूरी तरह खून से नहा गया, लथपथ खून से वो था। तब तक उसे देव शर्मा की पत्नी आती हुई दिखी। नेवले का बच्चा दौड़कर अपना कारनामा देव शर्मा की पत्नी को बताने गया। उसका ख्याल था कि भाई उसने बड़ा अच्छा काम किया है, सांप को मार दिया है, और ये जब देव शर्मा की पत्नी को पता चलेगा तो उसकी तारीफ होगी, उसकी प्रशंसा होगी। ऐसा ही कुछ सोचता हुआ नेवले का बच्चा दौड़कर देव शर्मा की पत्नी की तरफ भागा। लेकिन देव शर्मा की पत्नी ने जब देखा कि रक्त रंजित खून से पूरी तरह लथपथ नेवले का बच्चा उसकी तरफ आया और उसके पास पहुंचा हुआ है तो उसने सोचा हो ना हो, किसी को ना पाकर इस नेवले के बच्चे ने मेरे पुत्र को मार डाला। ये सोचते सोचते उसने जो पानी से भरी मटकी थी उनके पास वो उठाकर उसी नेवले पे पटक दी और नेवले का वहीं
प्राणांत हो गया। जब वो बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि बच्चे को तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, उल्टा वो सांप जो था वो मरा पड़ा था और वहीं पे उन्हें नजर आ गया। फिर उन्हें पता चला कि बिना सोचे समझे उन्होंने जो कदम उठाया उसकी वजह से क्या नुकसान हो गया है। कहां तो नेवले ने उनके बच्चे की जान बचाई थी और कहां वो उसी नेवले को मारकर आ गई जिसने अभी अभी उनके बच्चे की, उनके पुत्र की प्राण रक्षा की थी। ये कहानी यहीं समाप्त होती है और ये कहानी यहां जब समाप्त होती है तो कहा जाता है कि बिना जांचे परखे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी अगर हम लोग सोशल मीडिया का दौर देखेंगे तो ये कहानी फिर से एक बार रिलेवेंट आपको नजर आएगी, फिर से आपको काम की समझ में आएगी। अक्सर सोशल मीडिया पर हमें जो पोस्ट दिखते हैं जिनसे भावनाएं भड़कती हैं, जो भी भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट हो, जो डेटा के साथ, जो तथ्यों या आंकड़ों के साथ दिए गए पोस्ट होंगे, उनसे आपकी भावना नहीं भड़कती, उनमें जानकारी होती है। उन पोस्ट पर अधिकतर लोग ध्यान भी नहीं देते। अक्सर आप देखेंगे कि लोग ऐसी पोस्ट को शेयर कर रहे होते हैं जो भावनाओं से जुड़ी हो, तथ्यों से जिसका दूर दूर तक कहीं लेना देना न हो। और जैसे ही ऐसी भावना प्रधान पोस्ट नजर आती है तो ये मान लेना चाहिए कि इनमें असत्य का एक बहुत बड़ा अंश होगा। अक्सर ऐसी पोस्ट झूठी होती है, फर्जी होती है, फेक न्यूज होती है। ये जो भावना प्रधान पोस्ट होती है इसे कई लोग शेयर भी कर देते हैं और इससे काफी नुकसान भी होता है। और बिना सोचे समझे, बिना जांच परख किए ऐसी पोस्ट को शेयर करने से जो नुकसान होता है वो सिर्फ आपको नहीं झेलना पड़ता, वो पूरा पूरा समाज झेलता है। अभी अभी हमने जो इसका उदाहरण देखा है वो ANI की और दूसरी कई बड़ी न्यूज एजेंसीज की हरकत थी। इसमें उन्होंने मराठी भाषण का गलत अनुवाद कर डाला। उस गलत अनुवाद का नतीजा ये हुआ कि काफी समय तक लोग भड़के रहे, काफी वाद विवाद हुआ, सोशल मीडिया पर बहसें छिड़ी, कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, कई लोगों की बातचीत में ऐसी खटपट हो गई होगी जिससे संबंध भी बिगड़े होंगे, कई लोग ऐसी बातें भी बोल गए होंगे जो नहीं कही जानी चाहिए, कई ऐसे वीडियो बने होंगे, कई ऐसे ट्वीट पोस्ट या कमेंट आए होंगे जो गलत थे। बिना सोचे समझे ऐसी हरकत करने का नतीजा क्या होता है, अगर हम लोग अपरीक्षित कारण से मिलाकर देखें तो तुरंत समझ में आता है कि बिना सोचे समझे की गई हरकत से यह नुकसान होता है। और काफी साल पहले, करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराने ग्रंथ पंचतंत्र में जो कहानी लिखी हुई है वो कहानी यहां पर फिर से रिलेवेंट हो जाती है। अगर हम लोग केवल अनुवादों की बात करें तो अनुवाद में गलती जो होती है, जैसी गलती के लिए ANI ने हिंदी वाले में भी और अंग्रेजी वाले में भी माफी मांगी है कि मोहन भागवत का जो बयान था उसका अनुवाद उन्होंने गलत कर दिया था और अनुवाद गलत करने की वजह से काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई, काफी परेशानी हुई, कई लोग भड़के और आखिरकार ANI को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए सफाई भी पेश करनी पड़ी। एक और चीज जो नजर आती है वो ये है कि हिंदी या संस्कृत के कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका अंग्रेजी में या किसी और भाषा में अनुवाद संभव ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर यहां पर जो शब्द अनुवाद करने की कोशिश की जा रही थी वो शब्द था पंडित। अब पंडित का अनुवाद किसी भी तरह से प्रीस्ट नहीं हो सकता। पंडित का अनुवाद अधिक से अधिक करीबी अनुवाद जो होता है वो होता है ज्ञानी या विद्वान, जिसे आप नॉलेजेबल कह सकते हैं या किसी फील्ड का एक्सपर्ट कह सकते हैं। अंग्रेजी डिक्शनरी में भी अगर आज की तारीख में देखें तो देखेंगे कि अंग्रेजी में भी पंडित एक शब्द की तरह शामिल होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वगैरह में पंडित एक शब्द है। ऐसे ही दूसरे कई शब्द होते हैं जिनका अंग्रेजी में अनुवाद करना संभव नहीं। उदाहरण के तौर पर हम लोग आत्मा की बात कर सकते हैं। आत्मा को अंग्रेजी में अक्सर लोग सोल कह देते हैं। जो सेव आवर सोल SOS का संदेश होता है वो इसी सोल शब्द से बनता है। सोल को बचाने की बात की जा रही होती है। हिंदी में या संस्कृत में जो आत्मा का सिद्धांत होता है उसको अगर आप देखें तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ा अंतर नजर आ जाएगा। आत्मा के बारे में कहा जाता है कि ये तो अजर अमर है, इसे बचाने की बात कहां हो सकती है, जिसका आप कोई नुकसान ही नहीं कर सकते, जिसके बारे में भगवत गीता कहती है कि न तो इसे आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न इसे सुखाया जा सकता है, न मारा जा सकता है, तो फिर उसे बचाने की बात तो बिल्कुल नहीं की जा सकती ना। तो जैसे SOS में जो सोल होता है उस सोल का अर्थ कुछ और होता है, हिंदी वाली आत्मा का या संस्कृत वाले शब्द आत्मा का अर्थ कुछ और होता है।
तो आत्मा का अनुवाद जब आप सोल करेंगे तो गलत अर्थ समझ में आएगा। ऐसा ही धर्म के साथ होता है। धर्म को अगर आप बदलकर रिलीजियन करना चाहें तो बिल्कुल उल्टा अर्थ हो जाता है। धर्म के साथ कहा जाता है कि ये मुक्त करती है। जिस शब्द से रिलीजियन शब्द का जन्म हुआ है उस शब्द का अर्थ होता है बांधना। तो बांधना मुक्त करने का बिल्कुल उल्टा होता है। इसीलिए धर्म का अनुवाद अगर आप रिलीजन कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसे अनुवादों में जो गलती होती है इस पर एक पूरी पूरी किताब आई है। राजीव मल्होत्रा जी ने सत्यनारायण दास बाबा जी के साथ मिलकर संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब में कई ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिनका अनुवाद करना संभव ही नहीं। अब ये जो अनुवाद से संबंधित गलतियां होती हैं ये सिर्फ धर्म से संबंधित शब्दों पर लागू नहीं होती। मतलब अगर हम कहें कि धर्म का आप अनुवाद नहीं कर सकते, आत्मा का अनुवाद नहीं कर सकते, तो बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। कई और ऐसे शब्द होते हैं जो काव्य के हिस्से होंगे। काव्य में कई ऐसी चीजें होती हैं संस्कृत काव्य में जिनका आप अनुवाद नहीं कर सकते। अनुवाद करने पर उनका अर्थ कहीं खो जाता है। तो इस किताब को जब आप देखेंगे, इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें 11 अलग अलग अध्याय बनाए हुए हैं। उन 11 अध्यायों में कई कई ऐसे शब्द दिए हुए हैं एक एक विषय से संबंधित। जैसे संस्कृत में जो भाषा का जो विज्ञान होता है उसमें विज्ञान से संबंधित कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनका अनुवाद नहीं किया जा सकता। साइकोलॉजी से संबंधित कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में होते हैं तो कोई और अर्थ होता है उनका, और उनका अनुवाद अगर आप करने की कोशिश करें तो उनसे कुछ और ही मतलब निकलेगा। ऐसे ही ग्रह नक्षत्रों की बात होती है जिसे आप एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। उसमें अगर आप जाएंगे, जो ज्योतिष शास्त्र होते हैं उसमें जब आप जाएंगे तो वहां पर कई ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप अनुवाद के रूप में किसी और ही अर्थ में लेते हैं। संस्कृत शब्दों से अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के शब्दों का जन्म कैसे हुआ है ये समझना कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि गणित जो था वो गणित या मैथमेटिक्स भारत से ही जन्मा, जिसे पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा होता है आज। तो कई ऐसे शब्द थे जो ज्योतिष की वजह से आज हमारे पास हैं। उदाहरण के तौर पर होरा जो शब्द होता है उससे निकल करके आपके पास आवर, HOUR, आवर जो घंटे के लिए इस्तेमाल होता है वो निकल कर आता है। ऐसे ही दूसरे भी कई शब्द हैं जो कि मूलतः संस्कृत के शब्द थे और उन्हें थोड़ा थोड़ा बदल कर थोड़े अलग रूप में किसी और भाषा में आज इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अनुवाद में दिक्कतें आती हैं। जो मूल शब्द है अगर हम लोग उन्हीं का प्रयोग कर लें, जैसे आप किताबों में पाएंगे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो किताबों में कहीं कहीं शब्द इटैलिक्स में लिखे होते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि ये मूलतः किसी और भाषा का शब्द है और इसे यहां इस्तेमाल किया गया है, इसे यहां प्रयोग में लाया गया है, क्योंकि इसका अनुवाद करना संभव नहीं था। इस तरीके का इस्तेमाल करके सीधे सीधे संस्कृत शब्दों को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। ट्वीट या दूसरे माध्यमों पर हो सकता है कि आपके पास इटैलिक्स करने की सुविधा न हो, लेकिन फिर भी अगर आप सीधे सीधे जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे उन्हीं शब्दों को जैसे का तैसा दोहरा देते, पंडित का अनुवाद प्रीस्ट करने के बदले सीधे पंडित ही लिख देते पहली बार में, तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होती, इतनी समस्या नहीं होती, बाद में माफी भी नहीं मांगनी पड़ती। बेकार बेइज्जती होती है ना बार बार माफी मांगनी पड़े तो इन चीजों को देखा जा सकता है। अगर आप किताबों से पढ़कर इनके बारे में और जानना चाहें तो मेरी सलाह है कि संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स जैसी किताबें जो हैं वो आपके काम की हो सकती हैं। संभव हो तो इन्हें देखिए। जहां तक हमारी शुरुआती कहानी का सवाल, तो ये कहानी कितनी महत्वपूर्ण होती है इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1894 की जो एंथोलॉजी थी यानी कि द जंगल बुक नाम की जो किताब थी उसमें रूडयार्ड किपलिंग ने रिकी टिकी टावी नाम से इस कहानी को सम्मिलित किया था। इस कहानी को बदले रूपों में कई बार दर्शाया जा चुका है किताबों में, अलग अलग तरीके के प्रकाशनों में, कभी बिल्कुल अलग एक कहानी के तौर पर, कभी कहानियों के समूह के बीच में, ऐसे कई बार इसका प्रकाशन हुआ है। कार्टून वगैरह भी इस पर बन चुके हैं। तो रिकी टिकी टावी जो आप देखते हैं या सुनते हैं या जानते हैं वो असल में पंचतंत्र की कहानी है। तो आपकी कहानियों को बदला कैसे जाता है इसका अनुमान भी आपको इस कहानी से हो जाएगा। एक बार फिर से याद दिला दें, पंचतंत्र के पांचवें हिस्से अपरीक्षित कारणम से ये कहानी आती है। अपरीक्षित कारणम
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, अपरीक्षित मतलब जिसका परीक्षण, जिसकी जांच नहीं हुई हो, कारणम कारण। पंचतंत्र की कहानियां जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये बच्चों की कहानियां हैं, वो कैसे बच्चों की कहानियां नहीं होती और इतने वर्षों बाद भी प्रासंगिक है, इसका अनुमान आप इस कहानी से लगा सकते हैं। और आज की सोशल मीडिया से अगर इसे जोड़कर देखें तो और ज्यादा आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद है पंचतंत्र की कहानियां एक बार फिर से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे फिर किसी कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।